दोस्तों आप जितने भी वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हो, चाहे वो गूगल क्रोम हो या फिर फायरफॉक्स हो या फिर सफारी या फिर कोई भी ऐसा जो वेब ब्राउजर है जिसको आप इस्तेमाल करते हो, उसमें इनकॉग्निटो मोड रहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये इनकॉग्निटो मोड है क्या, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या इसका इस्तेमाल सेफ है या नहीं है, आप इसमें कुछ भी देखते हो, कुछ भी सर्च करते हो तो क्या सच में इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता, इसको कोई जान नहीं सकता? तो ये जो छोटे से सवाल हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जान लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हे गाइस, मैं हूं सौरभ और आप मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ टेक्निकल पे। जब से टोरंट और टोरंट वेबसाइट्स को बैन किया गया है तब से वीपीएन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। अगर आप टोरंट वेबसाइट्स को यूज़ करते हो या फिर टोरंट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो तो वो कानूनन जुर्म है, क्योंकि भैया वो बैन है। खैर, कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ब्राउजर में जो इनकॉग्निटो मोड है उसमें जाकर के अगर वो कुछ भी सर्च करते हैं या फिर कुछ भी डाउनलोड करते हैं या फिर वो वाली वीडियोस देखते हैं तो ये कोई नहीं जान सकता है, कोई नहीं देख सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनकॉग्निटो मोड जो है वो आपको सेफ ब्राउजिंग प्रोवाइड करवाता है। अगर आप इस पे कोई फेसबुक लॉगिन करते हो या फिर अपना जीमेल लॉगिन करते हो या फिर अगर आप यहाँ पे आकर के कोई भी वीडियोस देखते हो, डाउनलोड करते हो, तो ये क्या करता है कि जैसे ही आप वो टैब बंद करोगे वो आपका जितना भी ब्राउजिंग डेटा होता है उसको इरेज कर देता है, जितने भी कुकीज़ होते हैं उसको इरेज कर देता है और जितने भी आपके पासवर्ड होते हैं वो सबको मिटा देता है। अब बात कर लें गूगल इसके बारे में क्या कहता है। तो जब आप गूगल क्रोम पे इनकॉग्निटो मोड पे जाते हो तो वहाँ पे कुछ इस तरह का लिखा रहता है जिसका कि मतलब यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप टैब बंद करते हो तो आपके जितने भी कुकीज़ होते हैं, जितने भी हिस्ट्री होते हैं, जितने भी पासवर्ड होते हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ वहाँ पे डाउनलोड किया है या फिर आपने वहाँ पे कुछ बुकमार्क किया है वो आपका गूगल जो है उसको सेव कर लेता है। और बाकी जो ब्राउजर हैं जैसे कि मोजिल्ला, फायरफॉक्स, सफारी या फिर जितने भी ब्राउजर हैं जिनमें कि इनकॉग्निटो मोड दिया गया है, उन सब का भी वही कहना है जो कि गूगल क्रोम के बारे में मैंने आपको बताया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे भैया ये तो कुछ भी सेव ही नहीं करता है, तब तो हम कुछ भी इस पे सर्च कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनकॉग्निटो मोड में जाकर के गूगल पे लॉग इन करते हो, जैसे कि जीमेल आपने ओपन किया, तो गूगल आपको तुरंत ट्रेस कर लेगा और तुरंत आपके बारे में पता लगा लेगा कि आपने क्या क्या सर्च किया है। साथ ही साथ अगर आप अपने कंपनी में कोई भी इनकॉग्निटो मोड पे सर्च करते हो तो वहां पे जो आपका कनेक्शन होता है कंप्यूटर का वो लैन या वैन के थ्रू जुड़ा रहता है। तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपके पीसी पे नजर रख रहा है और वो जानना चाहे कि आपने क्या क्या सर्च किया है तो वो आपके बारे में तुरंत पता लगा सकता है कि आपने इनकॉग्निटो मोड या नॉर्मल मोड किसी भी तरीके से कुछ भी सर्च किया हो उसके बारे में। और जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी बड़ी आसानी से पता लग जाता है अगर आपने इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी सर्च किया है तो। सिर्फ आपके एम्प्लॉयर या फिर आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको ही नहीं, आप जिस साइट पे जा रहे हो उसको भी आपका लोकेशन, आप किस कंप्यूटर से, किस आईपी से वहां पे जा रहे हो वो पता कर सकता है, आपको ट्रेस कर सकता है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि इनकॉग्निटो मोड सिर्फ और सिर्फ सेफ ब्राउजिंग के लिए दिया गया है, ये आपको इनविजिबल नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो तो उसका फायदा ये है कि कोई भी पासवर्ड सेव नहीं होगा, कोई भी कुकीज सेव नहीं होगा। कुकीज आपको पता नहीं होगा, कुकीज छोटा सा वर्ड है लेकिन इससे आपको हैक भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के थ्रू हैक किया जाता है, मैं इसमें आपको एक वीडियो बना के दूंगा इन फ्यूचर। और साथ ही साथ ना ही कोई इसका हिस्ट्री जो आपने सर्च किया है वो इस पे सेव होता है। तो बस यही एक फायदा है इनकॉग्निटो मोड का। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनविजिबल होकर कुछ भी सर्च करना चाहते हो, कुछ भी वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको वीपीएन का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आप टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टॉर ब्राउजर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और इसके लिए आपको ये वाली वीडियो देख लेनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो से समझ में नहीं आता है तो आप टॉर ब्राउजर को इस्तेमाल मत करें उसके बारे में जब तक कि आपको पूरी जानकारी ना मिल जाए। सो हे गाइस, आई होप कि मेरा ये वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्या पता मेरा अगला वीडियो पसंद आ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।